तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को, और मैं निकुंज राठी आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एक दो बार मैंने इस गन्ने की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। 0118 वैरायटी है खिलंदर भाई जी, आज अपने ही देख ही सकते हो अपने खेत में टिलर निकाल रहे हैं। किसान साथियों, कोई भी कृषि यंत्र नहीं है और ट्रंच की खेती कर रहे हैं, तो किसान साथियों मैं इसकी परफॉर्मेंस दिखाना प्रयास करूँगा आपको। 16744 एफ फी ट्रैक्टर है और टीलर की एक फाली काल रखी है और कार्य चल रहा है। चौड़ाई 4 फीट होगी किसान साथियों इसकी। ये देखो, दो वैरायटी लगा रखी है, इधर 14201 है इधर, और ये 0118 वैरायटी है। ये किसान साथियों, ट्रिलिंग बड़ी ज़बरदस्त है इस वैरायटी की। थोड़ा सा मोथा घास बहुत हो गया था इसमें, तो भैया जी ने स्प्रे कर दिया था। और ये देख ही सकते हो किसान साथियों, इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है टीलर। ये देखो, ये देखो किसान साथियों, कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है टीलर। दूरा दूरा काल लेंगे इसमें। हाँ हाँ, दूरा दूरा काल दो, बढ़िया जंग आते नारायण के इसमें। चलो और करो पीछे को, हल्का सा को करियो। चलो चलो बस, ठीक है बस, चलो तो किसान साथियों बिल्कुल आतरे नहीं छोड़ रहा है और शानदार कार्य हो रहा है। और अभी तक कोई भी डोज नहीं लगाई गई, एक बार सिंचाई की कर दी है इस गन्ने की। तो देखो भान कितना जबरदस्त हो रहा है, इधर दोबारा आ रहा है, ये देखो भान कितना जबरदस्त चल रहा है और आतरे नहीं छोड़ रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। देखो शानदार परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, किसान साथियों 0118 वैरायटी है और आज इसकी हम दोबारा नलाई हो रही है दूसरी बार, एक बार सिंचाई कर दी है। आगे से दिखाने का प्रयास करो किसान साथियों, ट्रिलिंग बहुत जबरदस्त है किसान साथियों इसकी। 10 अप्रैल को इस गन्ने की बुआई की गई थी, इधर दोबारा आ रहा है। ये देखो पान कितना जबरदस्त कर रहा है ये, और जितना आप मिट्टी में वर्क कर दोगे इतना बढ़िया आपको पैदावार देखने को मिलेगी गन्ने की। ये देखो ट्रैक्टर को आगे से पूरी हाइड्रोलिक डाल के ट्रैक्टर को भी आगे से खड़ा कर देता है ये। ये देखो पान कितना जबरदस्त हो रहा है, और भैया जी ट्रैक्टर इतनी तेज चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज चला रहे हैं। किसान साथियों, धोरे धारे तो टूट जाते हैं पर सब हो जाते हैं ये। चलो बढ़िया हो रहा है, दूध थोड़ी दूर है, आते ना छोटे बिल्कुल भी। किसान साथियों, कल कल्टीवेटर निकाल दिया था इसमें, जैसे कि आपने अभी वीडियो देखी है, और 0118 वैरायटी है किसान साथियों, बड़ी ही शानदार ट्रिलिंग हुई है गन्ने की, आप देख ही सकते हो। और 10 अप्रैल को किसान साथियों इसकी बुआई की गई थी। बुआई करते समय थोड़ी सी विशेष बातों का ध्यान रखा गया की बार। एक तो सबसे पहले तो हमने इसकी दूरी बढ़ाई, थोड़ा सी इसकी चौड़ाई बढ़ाई। सब हम खेती जो करते हैं सब सादी विधि से करते हैं, जिसे 28 इंची बोलते हैं, और अक्की बार थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाई, उसका बहुत लाभ मिला है अक्की बार। देखो गन्ने ने ब्यात अच्छा किया है, और मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँ तो किसान साथियों, 10 अप्रैल को इसकी बुआई की गई है गन्ने की, एवं
एक बार इसमें सिंचाई की गई है और अभी तक कोई भी डोज नहीं लगाई गई है। बुआई करते समय बस इसमें डोज लगाई गई थी। बुआई करते समय इसमें किसान साथियों एक तो DAP यूरिया, सल्फर पोटास और रिजेंट की सिस्सी और एक यूज मैच की सिस्सी उपयोग की गई थी और वैरायटी बहुत ही शानदार है किसान साथियों, रोग मुक्त वैरायटी है। निरीक्षण करवाना चाहूँ तो आपको अभी दिखाऊंगा निरीक्षण, इसका बहुत बढ़िया शानदार जमाव हुआ है गन्ने का और दो आँख के पेंडे का इसमें उपयोग किया गया था किसान साथियों। एक बार इसमें सिंचाई की गई है और अभी तक कोई भी डोज नहीं लगाई गई है। कल इसमें 16744 ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर तो नहीं कहेंगे क्योंकि टीलर था, टीलर की बीच की फाली काल दी थी और फाली कालने के बाद उसमें हमने ट्रैक्टर के पीछे चला दिया था और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है ट्रैक्टर ने किसान साथियों। और एक विशेष बात और दिखाऊं मैं आपको, इसमें जब हम गन्ने की बुआई कर रहे थे तो जीरो शॉट इसका देखो, मैं पहले सबसे पहले इसका वो दिखा देता हूँ मैं। तो किसान साथियों जब हम इसकी बुआई कर रहे थे तो बीज इसमें से थोड़ा पड़ गया था, कम पड़ गया था कुल मिला के, तो इधर हमने 0238 की कच्ची दाब दी थी। ये देखो कितनी जगह 18 है ये किसान साथियों, कितनी ज़बरदस्त ट्रिलिंग कर रहा है देखो, ये देखो। और अभी तो और ज़्यादा ट्रिलिंग करेगा ये, अब इसके आंतरे लगवा देंगे एक बार और तो बढ़िया रहेगा। ये देखो इधर, ये देखो किसान साथियों यू है 0238 है अभी तो, 0238 इतना बढ़िया खड़ा है देखो इधर की साइड, और ये इधर 0118 है। तो बीज थोड़ा पड़ने के कारण हमने इसमें ये 38 की काची दाब दी थी। गूल देखो कितनी ज़बरदस्त भरी हुई खड़ी है, ये 38 है ये देखो, और अभी तो 18 से पीछे है। देखो आगे तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हाइट में भी और ग्रोथ में भी हर चीज़ में 38 अभी आगे है, पर ये वैरायटी बरसात में चलती है, बरसात में इसका बहुत ही बढ़िया उठान होता है। अभी तो वैसे ऐसी बात नहीं, ठीक ठाक ट्रिलिंग कर रहा है, जैसे 10 अप्रैल को इसकी बुआई की गई थी, बहुत ही शानदार ट्रिलिंग कर रहा है और कोई भी डोज नहीं लगाई गई है किसान साथियों। अब इसमें हम 2-3 दिन की हवा लगाएंगे इसमें और फिर इसमें सिंचाई करेंगे और कुछ ना कुछ यूरिया या सुपर मैजिक कुछ ना कुछ इसमें एक ना एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ह्यूमिक एसिड बोले, जिसे ह्यूमिक एसिड तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ट्रिलिंग ठीक ठाक कर दी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं लगाएंगे। और वैसे समय समय पर मैं इसकी गन्ने की आपको वीडियो दिखाता रहूँगा। अगली बार जो भी गन्ने की बुआई करेंगे हम सब चौड़ा ही बोएंगे, मतलब कि ट्रंच ही करेंगे। लाभ है किसान साथियों ट्रंच गन्ने में, मेरा मानना तो ये है। किसान साथियों जो भी आगे को इसमें डोज लगाई जाएगी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो किसान साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरा सभी से अनुरोध है, और वीडियो को लाइक करा ज़रूर करा करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। अच्छा सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।